हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास। आई एम योर ईवीएस टीचर नीतू पांडे एंड फैकल्टी ऑफ साइंस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लावर्स। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा कुछ रूट्स के विषय में, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लावर्स के विषय में। सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो सबसे पहले फ्लावर्स में आप देखेंगे इसकी ब्यूटी। ब्यूटी क्या है फ्लावर की? उसके पेटल्स, जिससे हम सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह से कुछ इंसेक्ट भी फ्लावर पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आज हम देखते हैं ये फ्लावर। इस फ्लावर की पिक्चर में आप देखेंगे कि इसके पेटल्स हैं, कि क्या है, पेटल्स हैं और इसके सेपल हैं और इसके स्टैमेंस हैं। सेपल जो नीचे लगे होते हैं और उसके जो क्वालिटी होती है, ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये जहाँ पे अटैच होता है ये बेसल से, ये होता है उसका, ये पेटल होता है, यहीं पर ये उसका होता है सेपल। और ये जो आप चाइना रोज को देखोगे तो यहाँ पर स्टामेन होता है। क्या होता है? स्टामेन। इस तरह के फ्लावर्स से आपको उसके पार्ट्स को देखने में हेल्प मिलती है। ये है चाइना रोज़। चाइना रोज़ को और क्या कहते हैं? हिबिस्कस प्लांट। क्या बोलते हैं? हिबिस्कस प्लांट, हिबिस्कस प्लांट। और आप देखोगे कि ये फ्लावर आपकी हेल्प कैसे कर रहे हैं, अट्रैक्शन कैसे दे रहे हैं। फ्लावर्स ऐड ब्यूटी टू अ प्लांट। फ्लावर्स क्या है? प्लांट की ब्यूटी है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड कलर। ये अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के आपको दिखते हैं। दे मे ग्रो सिंगली और इन अ बंच। आप इसको कैसे देख सकते हो? या तो अलग अलग कलर के डिफरेंट कलर, साइज, शेप, दे ग्रो इन सिंगल, या तो ये सिंगल ग्रो करते हैं या तो दे ग्रो इन बंच, मीन्स ग्रुप में ग्रो करते हैं, उनका एक समूह होता है। तो इस तरह के फ्लावर्स कैसे होते हैं? फ्लावर्स क्या होता है? ब्यूटी ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स प्लांट की ब्यूटी होती है। अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के, अलग साइज़ के होते हैं। या तो सिंगल ग्रो करते हैं या ये ब्रांच में ग्रो करते हैं। आप देखेंगे द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर कॉल्ड पेटल। जो कलरफुल पार्ट होता है वो फ्लावर का, वो पेटल कहलाता है। वहीं पर आप देखेंगे द स्मॉल ग्रीन पार्ट्स एट द बॉटम ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। तो जो ग्रीन कलर का प्लांट, ग्रीन कलर का बेस होता है जिससे फ्लावर अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं सेपल। और देखेंगे कि स्मॉल ग्रीन पार्ट्स एट द बॉटम ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। वहीं पर देखेंगे कि इनिशियली अ फ्लावर अपीयर एज अ बड। तो फ्लावर बनने से पहले ये क्या होती है? बड होती है। ये बड ग्रो करता है। जब बड ग्रो करेगा तब तो फ्लावर बनेगा। देन स्टूडेंट्स, द पेटल आर क्लोजली पैक्ड टूगेदर इन अ बड। ये जो पेटल आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छे से ग्रो किया है, यही पेटल बड में क्लोजली पैक्ड होता है। पेटल कैसा होता है? क्लोजली पैक्ड होता है। और सेपल तो यहीं पर लगा हुआ है, आपको अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। बड्स के बाद जब फ्लावर ग्रो करता है तो उसके पेटल अच्छे से ग्रो करते हैं और उसके सेपल भी अच्छे से ग्रो करते हैं। आप देखेंगे दे आर सराउंडेड बाय द सेपल्स। सेपल से क्या है? सराउंडेड होते हैं। एज द बड ग्रो इन साइज द पेटल्स ओपन टू बिकम अ फ्लावर्स। तो जब ये बड ग्रो करते हैं तो ये पेटल अपने साइज में और इंक्रीज करता है, ग्रो करता है और ये पेटल और अट्रैक्टिव हो जाते हैं। आप ये भी देखेंगे फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ये फ्लावर क्या है? किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं।
जिससे वो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, जिससे अपने फ्लावर से ये फ्रूट बन सके, तो उसके लिए ये फ्लावर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। आप देखेंगे कि दे डेवलप इंटू फ्रूट दैट कंटेन्स सीड, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स। अब आप ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या समझेंगे कि जब ये फ्लावर ग्रो करेगा तब तो ये फ्रूट बनाएगा। किसी किसी फ्रूट में सीड भी होते हैं, ये सीड जब ग्रो करते हैं और अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो इसी सीड से हम यंग वन बनाते हैं, मीन्स इसके यंग वन बनते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स और ग्रो कर जाते हैं। तो ये फ्लावर्स की हेल्प से ही होता है, इसीलिए फ्लावर को बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है प्लांट का, फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अब ये फ्लावर्स ग्रो करेगा, फ्रूट बनाएगा, फ्रूट में सीड होंगे, सीड को हम छिड़क देंगे तो उससे और भी अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। यस स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कुछ डिफरेंट फ्लावर्स। डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग फ्लावर अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर में आपने देखा था, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर आपने अलग अलग तरह के फूलों को देखा था। ये फूल अलग अलग सीजन में भी ग्रो करते हैं, अलग अलग समय पर ग्रो करते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हेन देयर फ्लावर्स ब्लूम। प्लांट्स में बी कॉल्ड एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरिनियल्स। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फ्लावर होते हैं जो साल में एक बार खिलते हैं, साल में दो बार खिलते हैं, साल में चार बार खिलते हैं। चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं ऐसे फ्लावर को जिनको हम क्या क्या बोल रहे हैं, जो फ्लावर ग्रो तो कर रहे हैं इनको क्या कहेंगे हम, इनको बोलेंगे एनुअल्स। सबसे पहले क्या होंगे, एनुअल्स। फिर हम ये एनुअल क्यों है, क्योंकि ये साल में एक ही बार ग्रो कर रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे बायनियल्स। बायनियल्स ऐसे फ्लावर होते हैं जिससे कि साल में दो बार ग्रो करते हैं। ओके, साल में जब दो बार ग्रो करेंगे तो इनको हम कहते हैं बायनियल्स। वहीं पर आप देखेंगे पेरिनियल्स। वहीं पर आप देखेंगे पेरिनियल्स, ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो ग्रो करते हैं साल में कई बार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनुअल्स, बायनियल्स एंड पेरिनियल्स फ्लावर के विषय में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फ्लावर्स के एग्जांपल को जो कि एनुअल ग्रो कर रहे हैं, एनुअल ग्रो। कुछ ऐसे हैं बायनियल्स ग्रो। आप देखेंगे कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जो पेरिनियल्स ग्रो करते हैं। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले एनुअल ग्रो, जो साल में ग्रो करते हैं, साल भर ग्रो कर रहे हैं, वो हैं मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जो बायनियल ग्रो कर रहे हैं, ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि साल में दो बार ग्रो कर रहे हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं कैंटरबेरी, कैंटरबेरी बेल्स, कैंटरबेरी बेल्स, कैंटरबेरी बेल्स। वहीं पर आप देखेंगे पेरिनियल ग्रो, जो पेरिनियल ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं डेजी। ऐसे फ्लावर होते हैं जो पेरिनियल ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं डेजी एंड क्रिसेंथेमम्स, मम्स, क्रिसेंथेमम्स, डेजीज और क्राइसेंथेमम्स, 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 क्राइसेंथेमम्स। ऐसे फ्लावर होते हैं जो पेरिनियल
ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स आप ये भी देखोगे कि फ्लावर्स आर यूज़फुल, ये फ्लावर है हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। कैसे? वी ईट फ्लावर्स लाइक ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर्स। हम ईट करते हैं फ्लावर्स को, हम फ्लावर्स को ईट भी करते हैं, ईट। उसके एग्जांपल हैं ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर और कचनार। महाराष्ट्र में इसको ईट किया जाता है, कचनार के फूलों को। बनाना, बनाना फ्लावर, इन सबको हम खाते हैं। इसकी पकौड़ी भी बहुत अच्छी बनती है, कचनार की भी बनती है और सहजन के फूल को भी खाते हैं, सहजन की पकौड़ी बनती है और बनाना फ्लावर की पकौड़ी बनती है, ज़रूर खाइएगा। यस सो स्टूडेंट्स, ये तो कुछ फ्लावर्स हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं खाने में। अलग अलग प्लेस पे इसको अलग अलग तरीके से खाए भी जाते हैं। ऐसे ही आप देखोगे फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन इन मैरिज पार्टी। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनको हम डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, जैसे मैरीगोल्ड, रोज़, जैस्मिन, इन सब का यूज़ कर रहे हैं। सम वुमेन वियर फ्लावर्स ऑन देयर हेयर। कुछ वुमेन्स को आप देखते हैं कि फ्लावर्स को अपने बालों में गजरा बना के लगाती हैं। फ्लावर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग गारलैंड, और उसका हम दूल्हों के सेहरे पे भी देखते हैं फ्लावर्स का यूज़। यस उसी तरह आप देखेंगे द पेटल ऑफ फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन आर यूज टू मेक परफ्यूम एंड ऑयल्स। जहाँ परफ्यूम का नाम आता है वहाँ पे आपका कौन सा ज़िला सबसे फेमस है यूपी का? कन्नौज। क्या बनाता है वो? इत्र। इत्र बनाने में फेमस है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। ओके तो ये किससे बनाते हैं? क्योंकि फ्लावर तो ग्रो करते नहीं है, रोज फ्लावर तो वो बाहर से मंगवाते हैं और इत्र का प्रयोग करते हैं। यस वहीं पर आप देखेंगे कि वी डेकोरेट फ्लोर्स ऑफ आर हाउस विथ फ्लोरल पैटर्न्स कॉल्ड रंगोली। हम फूलों से रंगोली भी बनाते हैं। तो हम फूलों का कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? स्टूडेंट्स आप ये भी देखेंगे हनी इज़ मेड फ्रॉम द नेक्टर सक्ड बाई द बीज फ्रॉम फ्लावर्स। हनी जो आप हनी बी जो हनी नेक्टर से कलेक्ट करती है, फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है, वो कहाँ से कलेक्ट कर रही है? फ्लावर से, और बना रही है वो हनी। ये है आपका अलग अलग प्रकार से फ्लावर्स का यूज़। और आप देखेंगे फ्लावर डिज़ाइन आर आल्सो सीन ऑन द वॉल ऑफ हाउसेस एंड मॉन्यूमेंट्स लाइक द ताजमहल। ताजमहल का जो आप मॉन्यूमेंट्स देखेंगे उसमें भी फ्लावर्स के ही डिज़ाइन हैं। वी कैन आल्सो फाइंड देम ऑन पॉट्स। अपने पॉट्स पर भी हम फूलों की डिज़ाइन डालते हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। यस क्लॉथ्स भी डालते हैं एंड मेनी अदर थिंग्स पर भी डालते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्लावर्स आर आल्सो यूज फॉर वर्शिपिंग एंड आर ऑफर्ड इन टेम्पल्स। हम फूलों से पूजा करते हैं, अपने मंदिरों में भी फूल चढ़ाते हैं। ये सब प्रयोग हम फूलों का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फ्लावर्स, जिसमें आपने देखा कि फ्लावर्स किस तरह के होते हैं, कौन सा अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स का। फ्लावर्स इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और आप देखेंगे फ्लोरिस्ट जो फूल बेचने वाले हैं उनके विषय में, अ फ्लोरिस्ट सेल्स कट फ्लावर्स, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द पार्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स। वो फ्लावर को अरेंज करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। ही सेल्स वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर्स, सम ऑफ देम आर अवेलेबल लोकली। कुछ तो अवेलेबल होते हैं, कुछ फ्लावर्स आपके नॉर्मल लोकल एरिया में पाए जाते हैं, जिसको वो फ्लावर से अलग अलग आइटम बनाता है, गजरा बनाता है, गारलैंड बनाता है, माला बनाता है और आपको देता है। वहीं देखेंगे कि मेनी ऑफ देम कम फ्रॉम फार अवे सिटीज़ और इवन आउटसाइड इंडिया। कुछ अलग अलग स्थानों से बाहर से फूल मंगाते हैं और अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्लावर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी एंड सीजन। देखो फ्लावर की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि क्या उस एरिया में फ्लावर मिल रहा है या हमें कहीं दूसरे एरिया से मंगाना पड़ रहा है, या क्या उस सीज़न में फ्लावर ग्रो कर रहा है। तो ये सब उसके कॉस्ट पे डिपेंड करता है। आप देखेंगे इकबाना इज़ द जापानीज आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स। इकबाना के विषय में जानेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकबाना कौन है? इकबाना फ्लोर आर्टिस्ट है जापान का। इकबाना
फ्लोर आर्टिस्ट को क्या बोलते हैं हम? फ्लोर आर्टिस्ट ऑफ जापान, फ्लोर आर्टिस्ट ऑफ जापान ये है फ्लावर आर्टिस्ट इकबाना इज द जापानीज आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर। तो ये क्या कर रहा है? फ्लावर को अरेंज करता है, अरेंजिंग फ्लावर्स, अरेंजिंग फ्लावर्स आर्ट। तो जो हम फ्लावर को अरेंज करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं उसे जापान की भाषा में बोलते हैं इकबाना। क्या बोलते हैं हम? इकबाना। ओके, ये टर्म आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। वहीं पर आप देखेंगे गुलकंद दैट यू ईट इन पान इज मेड ऑफ ड्राइड रोज पेटल एंड सुगर। वहीं पर आप देखेंगे गुलकंद पान के पान में डाला जाता है, वो रोज का एक पेटल होता है, उसे क्या बोलते हैं? गुलकंद। गुलकंद रोज के पेटल को पान जो बनाते हैं, पान लगाते हैं उसमें डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुलकंद। वो भी रोज फ्लावर प्लांट से ही मिलता है, ड्राइड होता है रोज पेटल एंड सुगर। सो स्टूडेंट्स, नेम अ बर्ड यू ईट, कुछ ऐसे भी बर्ड का नाम बताओ जिसको आप खाते हो। यस, स्पाइसेस में यूज़ होता है। नेम द बर्ड नेम, यस, लॉन्ग, लॉन्ग, यस, ये बर्ड है। ओके, अब हम देखेंगे कुछ अलग तरह के लोगों को जो फ्लावर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, ये है आपका फ्लावर। अब आप फ्लावर्स के विषय में और चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, इसके नोट्स बनाएंगे। यू मस्ट सेंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।